बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ सैंडविच की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे तोड़ के मैंने बाउल में डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसे बारीक कट कर लिया है, वो भी मैंने अंडों में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया था, उसे भी बारीक कट कर लिया है, वो भी अंडों में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम ली थी, जिन्हें मैंने बारीक कट करके वो भी ऐड कर दिया है। एक चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, उसको भी मैंने अंडों में ऐड कर दिया है। एक चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, नमक हसबे ज़ायका लिया है और एक चम्मच ही मैंने साबुत धनिया लिया है। सब कुछ मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। अब हम इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें आधी चम्मच के करीब हल्दी और आधी चम्मच के करीब मैं लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके किसी खुले बर्तन में निकाल लूँगी। बैटर मैंने सारा किसी खुले बर्तन में निकाल लिया है और अब चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए हैं, इस तरह आपने एक स्लाइस लेके उसको बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करके एक प्लेट में रखते जाना है। 4 स्लाइस मैंने लिए हैं, चारों को मैं ऐसे ही करूँगी। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे पैन रखा है, वो गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं एक स्लाइस पैन में डाल दूँगी और उसे लो फ्लेम पर तकरीबन 30 सेकंड तक पकाऊंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर रोल लगाऊंगी। अब मैं इसकी साइड भी चेंज करूंगी। साइड चेंज करने के बाद तकरीबन 30 से 40 सेकंड में इसे पकाऊंगी। तो जनाब माशाल्लाह बहुत प्यारा ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसे फिश आउट कर लूँगी। प्लेट में निकालने से पहले हम नीचे कोई कागज़ बिछाएंगे या टिश्यू पेपर बिछाएंगे ताकि इसका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरा स्लाइस भी मैंने इसी तरह पकाया है, उसे भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा है। उसको भी हम इसी तरह पकाएंगे और इसी तरह हम 4 स्लाइस रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया, इसे भी मैं फ़िश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के सैंडविच रेडी हुए हैं। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं और आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।